हे एवरीवन, मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो झटपट बनता है, वो है सोया चंक के पराठे। बहुत इजली बन जाते हैं और खाने में बहुत डिलीशियस होते हैं, और आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, और मैं बनाने जा रही हूँ सोया चंक के पराठे। तो यहाँ पर मैं ले लिया है 2 कटोरी सोया चंक, और ये मीडियम साइज वाले सोया चंक से आप चाहे तो बड़े वाले भी ले सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। और अब मैंने इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब मैं इसमें गर्म पानी से पूरा फुल कर दूंगी और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। फिर मैंने यहाँ पर इसे रख दिया है 10 मिनट के लिए, तब तक मैं इसका आटा गूंथ लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा लिया है, आप चाहे तो आधा मैदा आधा आटा ले सकते हैं, मैदे का भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरी आटा ले लिया है, और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉफ्टनेस देने के लिए यहाँ पे मैंने दही लिया है, घर का दही, खट्टा दही है। आप इसमें 4 चम्मच दही डाल दीजिए, और यहाँ पे मैंने इसको और हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर चुकंदर का, एक चुकंदर है उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और जब हमें जो ज़रूरत पड़े उस हिसाब से हम पानी मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पराठे के लाइक एक सॉफ्ट आटा गूँथ लिया है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से बहुत अच्छा आटा गूँथा है। और अब मैं इसको 5 मिनट के रेस्ट के लिए रख दूँगी, और हम जब तक देख रहे थे हमारे सोया चंक की क्या कंडीशन है। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और अब मैं इसका पूरा पानी अच्छी तरह से निचोड़ कर बिल्कुल इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना डालेंगे। बिल्कुल हमें पानी अच्छी तरह से निकालना है, इसका पानी बिल्कुल ना रहे तो गीला हो जाएगा। तो बस अब मैंने इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना डाला, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं बना है, दरदरा सा है। देखिए इस तरह से बस हमें ऐसा बनाना है, और अब हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू। 2 उबले हुए आलू डालने से यह बाइंडिंग में मदद मिलता है, और ये उबले हुए आलू इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने मैश कर दिया है। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 प्याज, और 4 प्याज को बिल्कुल हम बारीक बारीक काट लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 हरी मिर्ची, 1 अदरक का टुकड़ा, और 4-5 प्याज, और इसका बिल्कुल मैंने ग्रेटेड कर दिया है, और हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो अब हम यहाँ पे लेंगे एक पैन, पैन में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल, और इसमें डाल दूंगे मैं 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच जीरा, और 1/2 चम्मच कलौंजी। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी, जब ये अच्छी तरह से चटक जाए तो मैं इसमें डाल दूंगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची जो मैंने बारी बारी काटे थे, वो मैं अब इसमें डाल दूंगी, और इसको भी अच्छी तरह से पका लूँगी। जब तक कि ये थोड़े अच्छी तरह से भुन ना जाए, खुशबू अच्छी तरह से आने ना लग जाए, तब तक भुनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो मेरे बारी काटे हुए प्याज थे, इसको भी मैं अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। और इसमें डाल दूँगी 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच मिर्ची, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला दूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और जो मैंने यहाँ पे पेस्ट बनाया था दरदरा सा सोया चंक से, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे मैं थोड़ा सा पका लूँगी ताकि इसका पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है, वो ख़त्म हो जाए, और थोड़ा सा सोयाबीन भी पक जाए। तो बस अब इसे हम ऐसे हिलाते रहेंगे धीमी आंच में, और यहाँ पे मैं नमक स्वाद अनुसार डाल दूँगी। मैं 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने हिसाब से डालिए, और इसको भी अब थोड़ा सा पका लेंगे। देखिए मेरे यहाँ पर आलमोस्ट सूख गया है, और सोया चंक भी पक चुके हैं, तो इसमें मैं डाल दूँगी उबले हुए आलू। इसमें ये डालने से इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ जाता है, और इसके साथ भी इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। तो यहाँ पर जो हमारे जो सोया चंक्स का फिलिंग है वो रेडी हो चुका है, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मेरे यहाँ पे सोया चंक्स जो फिलिंग है वो भी रेडी हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके पराठे। तो अब आटे की कंडीशन देख लेते हैं। देखिए मेरे आटे भी अच्छी तरह, जो आटा गूँथा था बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट आटा बना हुआ है, बिल्कुल पराठे के लायक एग्जैक्ट वही है। तो बस अब हम इसको बेलते हैं। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी लोई ली है, अब अपने हिसाब से यहाँ पे बड़ी छोटी लोई ले सकते हैं। इसमें थोड़ा पलतन लगाया, और अब मैं इसे कटोरी के सेव दूंगी, और अब मैं इसमें आप अपने हिसाब से जितना फिलिंग डालना चाहते हो उस हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिए हैं,
और अब मैं इस साइड के एजेस जो किनारे हैं उसको अच्छे से ज्वाइंट करके इसे गोला बनाऊंगी और थोड़ा सा पॉलिथीन लगा कर हाथों से ऐसे दबा दबा कर थोड़ा फैला दूंगी ताकि इमली चारों तरफ जो हमारा फिलिंग है वो फैल जाए और हल्के हाथों से उसे बेल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसे हल्के हाथों से बेल लिया है और मेरे पराठा भी अच्छी तरह से हो गए हैं। रेडी देखा ही से कुछ नहीं फटे हैं। उस तरह से मैं दूसरे पर लोई भी लूँगी, उसको भी ऐसे कटोरा सेप दूंगी और इसमें फिलिंग भर दूंगी अपने जितना मुझे लगेगा उतना फिलिंग लेकर। उसे भी मैं अब अच्छी तरह से साइड के जो एजेस थे किनारे उसको जॉइंट कर दूंगी और फिर हाथों से थोड़ा सा दबा कर हल्के हाथों से बेल लूँगी। तो मेरा दूसरा पराठा भी हो गया है रेडी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है तवा गरम और उसमें ऑयल लगाया, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। तो बस हल्की हल्की ऑयल लगा कर इसे मैंने दूसरी तरफ से पलट दिया, ऊपर से मैं भी हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ और फिर दूसरी तरफ से और ऑयल अच्छी तरह से लगाएंगे जैसे चाहिए उतना। और बस ऐसे पलट पलट कर हमने ये पराठा हो गया है रेडी। उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे दूसरा पराठा भी सेक लिया है, जैसे ऑयल लगाया दूसरी तरफ पलटा और पलट पलट कर इसे मैंने यहाँ पर जो दूसरा पराठा है वो भी हो गया है रेडी। तो चलिए अब मैं इसकी कर देती हूँ प्लेटिंग। तो ये मेरे पराठे अच्छे शेप में हो गए हैं और मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। और ये है मेरा पराठा जो प्लेटिंग कर दी है। देखिए मैंने इससे यहाँ पे मैंने अचार लिया है और दही लिया है और ये पराठों के साथ मैंने इसे सर्व किया है। तो ये बहुत खाने में, अब कुछ जो मर्जी चाहते हैं वो इसके साथ आप लीजिए पराठों को। और देखिए अंदर भी फिलिंग बिल्कुल चारों तरफ इवनली फैला हुआ है और बहुत अच्छी स्टफिंग हुई, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सीरियसली बताऊँ तो ये बच्चों को तो खासकर बहुत पसंद आता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपने बेटे से पूछती हूँ, तो मैं उसी के लिए मैंने ये पराठा बनाया आज ब्रेकफास्ट के लिए उसके लिए। तो मैं उससे पूछती हूँ कि कैसा बना है, तो खा के बताता है कि कैसा है। तो वो दही के साथ इसे खा रहा है और उसको बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मेरे बेटे को ये वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से अब मैंने कहा पकड़ो थाली और आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से हेल्दी पराठा बना के खिलाइए। हमेशा अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार हो, बाय।